हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं प्रतीक ठक्कर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एग्जाम्स टाइम पे करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपने पूरे साल कितनी भी मेहनत की हो पर अल्टीमेटली एग्जाम के दिन आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है और अगले दिन आप कैसी पढ़ाई करते हो, उसी पर डिपेंड करता है कि आप 3 घंटे में कैसा परफॉर्म करोगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अगले दिन अपने माइंडसेट को कैसे प्रिपेयर कर सके, यानी कि आप कैसे मोटिवेट रहे, आप कैसे कॉन्सेंट्रेट रहे स्टडीज में। और फ्रेंड्स, मैं उसके साथ ये भी चीजें बताऊंगा कि कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन को पूरा तोड़ देती है या फिर आपके मोटिवेशन को पूरा डीमोटिवेशन में कन्वर्ट कर देती है। सो फ्रेंड्स, कौन सी चीजें करनी चाहिए उससे ज्यादा कई गुना इंपॉर्टेंट है कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए उसके लिए मैंने एक पावरफुल ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ है जो 1 से 1.5 मिनट का है, जिसमें बताया गया है कि कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उस ऑडियो की लिंक मैंने कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, सो उस ऑडियो को मिस मत करना। और फ्रेंड्स, उस लिंक पे क्लिक करके ऑडियो को सुन के स्टडी बडी क्लब को खबरी पे फॉलो भी कर ले ताकि ऐसे ऑडियोज में जो अल्टरनेटिव डे पे डालता हूं वो आपको मिल सके और आप उसे सुन के अपनी एग्जाम में काफी सारा इंप्रूवमेंट ला सके। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको एग्जाम ड्यूरेशन में करनी चाहिए, यानी कि एक एग्जाम खत्म होने के बाद आप जो पढ़ाई करते हो दूसरी एग्जाम के लिए, इन बिटवीन जो आपको करना है वो है, सबसे पहले है कि आपको अपने पेरेंट्स को टाइम देना है। फ्रेंड्स, इस चीज से आप अपना स्ट्रेस बहुत कम कर सकते हो। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमें लाइफ में कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमें पता है कि यार ये चीज हमारे मम्मी या फिर पापा को नहीं पता कि उसे सॉल्व कैसे करना है, फिर भी हम उन्हें ये बताते हैं और ये बताने के बाद हम काफी हल्का महसूस करते हैं, काफी अच्छा महसूस करते हैं कि यार जानो टेंशन पूरी निकल गई। भले उसका सॉल्यूशन ना मिला हो फिर भी हमें वो अच्छा सेटिस्फेक्शन देता है। सो वही चीज अगर आप उनके साथ शेयर करोगे कि यार मेरे इतने चैप्टर्स बाकी है या फिर मैं ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ, ये चीज हो रही है, ऐसे मुझे प्रिपेयर करना है, सिर्फ अपना प्लान, भले उनको नहीं पता कि यार चैप्टर्स कितने होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, फिर भी अगर आप उनके साथ ये चीज शेयर करोगे ना तो वो यही बोलेंगे कि यार यस आप कर लोगे और वही चीजें आपको बहुत मोटिवेट कर जाएगी। सो सबसे पहली बात, अपने पेरेंट्स से बात करो। ये सुकून आपको फ्रेंड्स से बात करने में नहीं मिलेगा, फ्रेंड्स अच्छे नहीं है ऐसा नहीं है, पर जो पेरेंट्स दे सकते हैं ना वो कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं दे सकता। तो अपने पेरेंट्स से बात करें, उनको टाइम दे, 10 से 15 मिनट एग्जाम टाइम पे दे, आपका माइंड पूरा एकदम मोटिवेटेड हो जाएगा और आप पूरे एकदम शांत हो जाओगे। सो सबसे पहली चीज, अपने पेरेंट्स को 10 से 15 मिनट दे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरी चीज, यानी कि टेक इनफ स्लीप। फ्रेंड्स, कई बार होता ही है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मेरे पास 1 या 1.5 दिन है तो जितना हो सके मैं उतना पढ़ लेता हूं, वो क्वांटिटी पे फोकस करना चाहते हैं, क्वालिटी पे नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप क्वांटिटी पे फोकस करने जाओगे तो एक लेवल के बाद क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा और उसी टाइम पे आपको पढ़ना छोड़ना है। यस फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि यार आप 4 घंटे की नींद से अपनी पढ़ाई कर सकते हो तो दैट्स गुड, पर अगर आपको लगे कि यार 5 घंटे या फिर 6 घंटे की नींद से अगर आप थोड़ा भी कम कर दे तो आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगती है, तो ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप लेट नाइट, अगर आपको लगता है कि यार आपको 12 बजे नींद आती है और आप 6 बजे उठते हो और 6 बजे परफेक्ट उठ के आप पढ़ाई कर सकते हो, तो 12 बजे से 2 बजे तक अगर आप खींचने जाओगे और वहां पे अगर आपकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही तो बेटर टू स्लीप। ये 2 घंटे अगर आप पढ़ने जाओगे तो उस 2 घंटे की तो पढ़ाई आपकी बर्बाद होगी होगी, क्योंकि उसमें कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको बहुत थकान हुई होगी और आपको नींद आ रही होगी और उसके कारण अगर आपकी नींद कम हुई होगी तो उसके कारण सुबह की पढ़ाई भी बिगड़ेगी। सो बेटर है कि हो सके उतना अपनी मैक्सिमम लिमिट तक जाइए। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आप नहीं पढ़ सकते, आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, पर अगर आपको लगे कि आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो मेरे ख्याल से आपको वहां पर रुक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इसमें से आउटपुट मिल रहा है। अगर 2 घंटे की पढ़ाई से सिर्फ 1/2 घंटे का आउटपुट मिल रहा है सो बेटर है कि आप सो जाओ और 1/2 घंटा पहले उठ जाओ, सो वो ही आप वहीं पे कवर कर लोगे और आपकी नींद भी हो जाएगी। सो सबसे पहली चीज, अपने पेरेंट्स से बात करें।
दूसरी चीज टेक इनफ स्लीप, एंड द थर्ड थिंग इज आई कैन डू इट। यस फ्रेंड्स, आपने पहली ट्रिक यूज कर ली, दूसरी ट्रिक से आपने पढ़ाई भी अच्छी की, फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार आपका कोर्स खत्म नहीं हो रहा, या फिर कुछ और चीज है जिसके कारण आपको टेंशन आ रहा है, डीमोटिवेशन हो रहा है, तो अपने आप को ये बोलो कि यस आप कर सकते हो। और ऐसा ही नहीं बोल रहा है, अगर आप मेडिटेशन में बैठ सकते हो तो बैठो, अपने आपके बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने गोल के बारे में सोचो, और उस मेडिटेशन में बताओ अपने आप को कि यार तू कर सकता है। एंड यस फ्रेंड्स, क्यों नहीं हो सकता, 100% हो सकता है। और इसलिए मैं हर बार कहता रहता हूं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वो अच्छा ही होगा। सो बहुत इतना दिमाग मत अपना खराब कीजिए कि यार मेरा ये बाकी है, वो बाकी है। हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। आप एक स्टूडेंट नहीं हो कि आपसे पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही एक दिन में। हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आता ही है कि एक दिन में पूरा कोर्स खत्म नहीं हो पाता, एक दिन में जो उनको रिवाइज करना है वो रिवाइज नहीं कर पाते। पूरे एक साल की स्टडी एक दिन में करना डिफिकल्ट है, पर इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करना है कि कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, वो सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और तभी तो आप एक दिन में या फिर डेढ़ दिन में आपका पूरा कोर्स खत्म कर पाओगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे मैं 2 से 3 दिन में वीडियो अपलोड करूंगा, यानी कि एक या डेढ़ दिन में आपको पूरा कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ाई करनी है, इस चीज पे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। सो उस वीडियो को मिस मत करना। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। जो नहीं करनी चाहिए उसके लिए एक पावरफुल ऑडियो मैंने अपलोड किया हुआ है खबरी नेम की एप्लीकेशन पे, जिसकी लिंक मैंने कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सो उसको सुन लो और स्टडी बडी क्लब को फॉलो कर लो खबरी पे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड यस यू कैन डू इट। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए इसे शेयर जरूर करें, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, एंड प्लीज कमेंट करके बता दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे भी पता चले कि यार मैं जो यहाँ पे रात को 3 या 4 बजे उठ के रिकॉर्ड करता हूँ, वो लोगों को एक्चुअल में हेल्प में हो रही है कि नहीं बातें हो रही है। अगर वो हेल्प में आ रही है तो मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं। ये अल्टीमेटली आपकी एग्जाम्स हैं, तो मैं उतना तो कर ही सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू स्टडी बडी क्लब फॉर मोर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।